नमस्कार दोस्तों, रायसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है और उम्मीद है आपको मेरे वीडियो देख के मज़ा आ रहा है और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मारुति सुजुकी एस्टीम के आगे के दो सीट्स है वो कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगा। तो मैं पहले निकालूंगा पैसेंजर का सीट और बाद में ड्राइवर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सीट निकालने के लिए आपको 5 बोल्ट निकालने पड़ेंगे। तो ये है पहला बोल्ट, दूसरा इस साइड में एक होता है, तीसरा और पीछे के साइड में और 2 बोल्ट्स रहते हैं इधर। तो ये 5ों बोल्ट्स आपको पहले निकालने हैं। तो पहले मैं निकालूंगा पीछे के 3 बोल्ट और इसके लिए आपको चाहिए 12 mm का सॉकेट। तो ये 3ों बोल्ट निकालने के बाद मैं मेरा सीट जो है वो पीछे निकालूंगा। इसे पीछे कीजिए सीट और बाद में आप आगे के 2 बोल्ट जो है वो निकालिएगा। तो इधर 5ों बोल्ट निकाल के मेरे हो गए हैं। अब आपको सीट जो है वो ऐसे बैंड करके बाहर निकालना है। तो एक सीट मेरा निकाल के हो गया। अब मैं निकालूंगा ड्राइवर का सीट। तो पीछे के 3 बोल्ट मैं पहले निकालूंगा। तो ये निकला मेरा पहला बोल्ट। ये निकला मेरा दूसरा और ये निकला मेरा तीसरा। अभी सीट पीछे निकाले और आगे के 2 बोल्ट जो है वो निकाले। तो ये निकले मेरे सब बोल्ट। और ड्राइवर सीट निकालने के लिए थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि स्टेयरिंग बीच में आता है। तो आपको सीट आधा ऐसा खोल के थोड़ा ट्विस्ट करके बाहर निकालना पड़ेगा सीट। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है मेरा ये वीडियो देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आने के लिए। और कमेंट करने को मत भूलिएगा। तब तक आपका ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।